हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं चाय बनाने जा रहा हूँ क्योंकि हमारे रूम पे अभी चाय का अरेंजमेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने पब्लिक किचन में आया और ये मैं यहाँ पर चाय बनाने के लिए फर्स्ट टाइम मैं चाइना में चाय बनाने जा रहा हूँ। तो ये मैं आ गया हूँ पब्लिक किचन। यहाँ पर ये पब्लिक किचन जो होता है, हर फ्लोर पर एक कॉमन किचन होता है जहाँ पर आकर आप कुछ भी चाय वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पर ये फ्रिज रखे होते हैं जिसमें सभी लोग अपना सामान रख देते हैं। जिनके रूम पर फ्रिज नहीं होते वो लोग यहाँ पर अपना लाकर सामान रख देते हैं। हम भी यहाँ रख सकते हैं और यहाँ पर कोई भी किसी का सामान कभी भी नहीं निकालता। किचन में यहाँ ओवन भी होता है और ये नीचे प्लेट्स वगैरह रखी होती हैं। यहाँ पर पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन ये भी फ्री नहीं है। अगर आपको पानी पीना है तो आपको ये QR कोड स्कैन करना होगा। यहाँ पर स्कैन करने के बाद में यहाँ से आपको नॉर्मल वाटर और यहाँ से आपको बॉइल्ड वाटर मिलेगा। यहाँ लिखा भी है ये डायरेक्ट ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। इतना बॉइल्ड होता है कि 100+ डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ बीच बीच में इंडक्शन रखे हुए हैं और मैं यहाँ पर अपना सामान लेकर आ गया हूँ चाय का, और मैं यहाँ पर चाय बनाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने ये चाय बनने के लिए रख दी। बहुत देर बाद तो मेरे फंक्शन समझ में आए क्योंकि इंडक्शन पर सारे चाइनीज़ में लिखा है। यहाँ मैंने समझ समझ कर इनके पिक्चर्स देख देख कर चाय बनने के लिए रखी है। इसको मैं 800 डिग्री पर बॉयल करता हूँ। यहाँ पर मैं चीनी और पत्ती लेकर आ गया और यहाँ पर ये कुकर्स रखे हुए हैं। ये ऊपर चिमनीज लगी हुई हैं जहाँ से आप देख सकते हैं बाहर जाती है गैसेस, और ये बाहर ये किचन का सिंक, और इस तरीके से ये कॉमन किचन दिखता है। आज वीकेंड था इसलिए हम लोग देर से उठे थे सोकर, क्योंकि यहाँ पर सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो यहाँ चाय इस टाइम बना रहे हैं, अभी यहाँ पर 2 बजने वाले हैं दोपहर के। चाय रेडी होने लगी बनने के लिए, ये देखिए आप। अभी मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ 800 पर, 800 पर जल्दी बॉयल हो जाएगी।